पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने एक दिवसीय प्रवास पर कल राजनांदगांव पहुंचे, जहां जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक ली। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि आगामी 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होने के 20 साल पूरे होने पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके तहत सेवा एवं समर्पण 20 दिन का कार्यक्रम भाजपा द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के जिले कार्य समिति की बैठक है, पदाधिकारियों के साथ पूरे जिले के प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया है और ये कार्यक्रम आने वाले समय में 20 दिन की कार्ययोजना और इस कार्ययोजना में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 तारीख से 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक, जब उनके कार्यकाल के 20 साल पूरे हो जाएंगे मुख्यमंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में, ये 20 दिन का ये कार्यकाल हम सेवा सप्ताह सेवा के रूप में मनाएंगे। मीडिया से रूबरू होने के दौरान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने वर्तमान प्रदेश सरकार पर सीधा हमला बोला। कांग्रेस सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को नकल करने के लिए भी अकल लगाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर में राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ के किसान परिवार से मुलाकात के बारे में उन्होंने कहा कि भागवत वर्मा किसान राजनांदगांव में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में पहले कतार में बैठा हुआ था और भागवत वर्मा ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कहा कि मैंने 60,000 का गोबर बेचकर स्कूटी ली है। वही भागवत वर्मा जम्मू कश्मीर पहुंच जाता है राहुल गांधी के पास, ये सब दिखावा है और प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा है। रहता है भागवत प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सबसे पहले बैठा रहता है और वही डायलॉग मारता है कि 60,000 के गोबर बचे हुए स्कूटर खरीद लें महाराज, और बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश बघेल को, ये भूपेश को भी धन्यवाद दे रहा है। और वहाँ फिर यात्रा में प्लेन्स में चढ़ के पहुँच जाता है और यात्रा में भी वैष्णो देवी के रास्ते में टकराता है और वही 60,000 का गोबर की किस्सा फिर दोहराता है। तो ये जनसंपर्क वालों को चेहरा तो बदल लेना चाहिए, इन्हें नकल करें तो अकल लगा के करें।